What's up, everybody? It's your gamer boy here, and welcome back to a new Minecraft video. So, guys, आज हम लोग दोबारा से Minecraft खेलने वाले हैं. पिछली बार हमने Minecraft server series की थी, but अब ये permanent इस server series का कुछ नाम हम कुछ नहीं है. ये permanent server series होने वाली है. तो आज part one है. तो server series शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इधर ही कहीं बटन आ रहा होगा, जल्दी क्या कर रहे हो और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर दो तो इसलिए वीडियो लेट आती है. जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं गाइस आज के माइनक्राफ्ट वीडियो. सो गाइस यार हम लोग अपने माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं. ये है हमारा वर्ल्ड एंड वर्ल्ड लोड होते ही भाई मेरे को पता नहीं ऐसे बायोम क्यों मिलते हैं. अरे सीर जंगल दे दिया भाई पूरे. एक सेकंड मैं आगे जाके देख ले तो इधर कुछ जानवर ये देखो भाई साहब को. भाई साहब मतलब इतनी गर्मी में भाई साहब धूप निकली हुई है और भाई साहब को मजे मान रहे हैं. देख रहे हो ऐसे लोगों को सही में यार. गाइस चलो फालतू ये बाद में करते हैं एंड फटाक से माइनक्राफ्ट के जो इम्पोर्टेंट तो नहीं मतलब जो टूल्स है वो मैं फटाक से बना के आप लोगों से बताता हूं. ठीक है गाइस गाइस यार जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है वो तो हमने बना लिया है एंड चलो पहले इस जगह से निकलते हैं बिकॉज भाई इधर बहुत ज्यादा केव है एंड इस साइड को मुझे दिख रहा है लावा पूल. स्पॉन तो अच्छा दिया भाई एंड अंदर को है केव जहाँ पर मैं ऑब्वियसली नहीं जाऊंगा बट मुझे आगे दिख रहा है कूल तो मैं पहले कूल लेके आऊंगा. एंड गाइस आज हम खेल रहे शार्ड के साथ तो आपको ज्यादा ब्राइटनेस दिख रहा होगा. सो देखो शार्डर का अभी शार्डर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते अभी हम सीधा माइनक्राफ्ट खेलते हैं. एंड मैं अभी स्टोन के टूल्स में गाइस अपग्रेड हो लेता हूं कूल टूल में. सो गाइस मेरे को 2 मिनट देना मैं फटाक से स्टोन के टूल्स स्टोन टूल के स्टोन के टूल्स फटाक से बना. हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन थे जिससे मैंने एक एक्स और एक स्वॉर्ड और एक पिकैक्स ली जो हमारा माइनक्राफ्ट का मेनली सामान है. आपने शायद से थोड़ा सा देखा होगा कि मैं गलती से इस लावा के अंदर कूद ने मतलब पता नहीं मैंने कैसे कर लिया बट मैं ऐसे छलांग मार के चला गया. बाई चांस मेरे से एक छोटी सी गलती हो जाती तो मैं डायरेक्ट लावा में. सो हमारे पास स्टोन के टूल्स अभी आ चुके हैं एंड पटैक्स हम थोड़े से कोल तोड़ लेते हैं. वो मतलब कोल तोड़ने से पहले मुझे थोड़े से स्टोन चाहिए बिकॉज मुझे लग रहा है इधर बहुत ज़्यादा ही लावा लावा चल रहा है. सो मैं पटैक्स से थोड़े से स्टोन तोड़ के आप लोगों से मैं 3-4 मिनट के अंदर. ठीक है गाइस ऑलराइट गाइस हमारे पास 20 कोबलस्टोन आ चुका है एंड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज स्टोन हमको इसलिए चाहिए बिकॉज पहले आप ये क्या है नीचे एक बार मैं दिखा देता हूँ. नीचे इतनी बड़ी केव है अगर बाई चांस अगर मैं नीचे गिर जाऊँ तो भाई मेरे को कुछ तो बचने के लिए चाहिए होगा ना. सो मैं कवर लगा लेता हूँ. ठीक है हमको इस साइड को नहीं जाना है इधर भी कवर है. सो अभी हम थोड़े से कोल लेके आते हैं एंड मैं थोड़ा सा अंदर जाऊँगा केव के अंदर. सो मैं फटाक से थोड़े से कोल माइन कर लेता हूँ. Alright guys, हमारे पास 26 कोल आ चुका है. शायद से इतने में हो जाए और मेरे को इधर से थोड़े से और दिख रहे हैं मैं उठा लेता हूँ बिकॉज लालच करना माइनक्राफ्ट में कुछ अलग ही सीन होता है बट उठाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ज़्यादा लालच करने से लॉस होता है बट अभी हम ज़्यादा लालच कर रहे हैं तो जितने भी कोल में पटक सकते हैं. सो हमारे पास 36 कोल आ चुके हैं एंड शायद से इतने से हो जाए मतलब आई होप शायद से इतने से हो जाए. मेरे को लगता नहीं है इतने से हो जाएगा बट मेरे को बस इतना सामान चाहिए. मुझे बस टॉर्च बनाना है जो मैं फटाक से कर लेता हूँ. ठीक है एंड अभी हमको और ज़्यादा डीप नहीं जाना है
मैं एक बार जाने की तो कोशिश करूंगा, बिकॉज इस वर्ल्ड में मेरे को एक भी बार नहीं मरना है, जान मैं हथेली पे रख के थोड़ा सा चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। सो मैं पहले यहाँ से निकल लेता हूँ, बिकॉज हमारा इधर का काम हो चुका है, एंड चलो पहले यहाँ से निकल लेते हैं। बट एक रात मेरे को इधर बितानी पड़ेगी शायद से, बट अगर मुझे शीप मिल गया तो नहीं बितानी पड़ेगी, बट एक बार देख, अगर इस साइड को शीप है तो हम बिता लें। गाइस यार भाई मैं जा ही रहा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, रात के टाइम में माइनक्राफ्ट, मतलब जब आपके पास कुछ नहीं है, जब आप प्रिपेयर नहीं हो फाइट्स के लिए, तो आप बिल्कुल मजे ना लीजिए स्केलेटन ज़ॉम्बीज के साथ, बिकॉज आप दो तीन सेकंड में मर सकते हो, बिकॉज स्केलेटन ने मेरे को एक तीर मार के थोड़ा सा सीन कर ही दे। और तो गाइस मैं ये कह रहा था, मुझे थोड़े से कोम भी दिख रहे हैं जो हमको मदद करेगी फूड को रिजनरेट करने में, बट इधर बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स है, मैं पता नहीं कैसे खेल सकता हूँ, बट अब हम फाइट नहीं लेंगे, बिकॉज अगर अभी मैंने कोई भी फाइट ली ना, मैं देखा गाइस आई एम डेड लिख लो, ये हैशटैग डेड लिख लो, लगा लो भाई, लगा लो यार, मतलब सही में मैं बोला। रुको एक सेकंड मस्ती करने का, बिकॉज तुम लोग बिल्कुल मस्ती के मूड में नहीं हो मुझे पता है, एंड मैं अपना हेल्थ रीजनरेट कर लेता हूँ थोड़े मिनट्स के लिए। सो मैं सोच रहा हूँ इधर मैं एक गोदान में बना देता हूँ ताकि मुझे कुछ दिक्कत ना पड़े यार, मैं बाद में मैं अगर ऐसे चला गया एंड कैरेक्टर ने चीज मार दिया, और आपको पता है कि हम कोई भी वर्ल्ड में नहीं मरे शायद से, भाई बहुत बार मरे मैं नहीं बोल रहा, ठीक है बहुत बार मर चुके हैं, बट इस बार ट्राई करेंगे सबसे ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहने का, इसलिए हम रिक्स नहीं ले रहे। तो मैं इधर से थोड़े से गड्ढे बना देता हूँ ताकि मैं सुबह हो मुझे बाहर आने में कुछ भी दिक्कत ना पड़े। सो गाइस मैं थोड़े से स्टोन इकट्ठे कर लेता हूँ, इसका बहुत ज्यादा काम बने। ऑल डन गाइस, हमारे पास सब कुछ अभी आ चुका है, हमारे पास टूल्स है, खाना है, एंड जिससे हमारी हेल्थ रीजनरेट ऑब्वियसली, सिंपल सा लॉजिक है, मतलब वो तो जाना चाहिए। यार मैं फंस गया भाई, तो चलो कुछ तो है, निकल लेते हैं, अभी निकलना तो पड़ेगा, और जिंदा रहना है इस वर्ल्ड को सरवाइव करना है, तो इतना डरेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं चलता हूँ पहाड़ों की ओर और इससे शीप वीप मारने के लिए, बिकॉज मुझे शीप बहुत ज़्यादा जरूरत है, एंड डोंट स्केलेटन तीर गलती से भी एक दो शिट ओ भाई मुझे एक तीर अगर गए एक तीर लग जाती ना मैं फिनिश, चलो बच गया भाई, थैंक्स भाई, आई एम ए क्लचर गॉड, मैंने खत्म कर दिया, मतलब मैंने सरवाइव कर दिया, बिकॉज आप मेरी हेल्थ देख रहे हो मेरे पास कितने हेल्थ है, मतलब वो नहीं हेल्थ, मतलब खूब एक सेकंड में मजाक में सामने मिले थे, अबे भैंस की आंखें भाई, ज्यादा ही अच्छा हो गया। चलो भाई मेरे को ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, एंड भाई स्केलेटन नहीं है तेरे को मैं ठोकूं आज गाइस, इस स्केलेटन की वजह से हमको कुछ मिला है ना, तो आज इस स्केलेटन से मजे लिया, ये देख इसको कहते यार क्या मारेगा, स्केलेटन हटती है, ठीक है स्केलेटन नहीं मारता, एक प्रो बंदे को स्केलेटन कभी नहीं मारता, एक दो बार वुडन के टूल्स के साथ कभी मार सकता है, बट चलो फटाक से गाइस जाके सो जाते हैं। तो गाइस यार दूसरी सुबह हो चुकी है, टाइम तो पता नहीं अभी कितने बज रहे हैं, शायद से 5:30 हो रहा होगा माइनक्राफ्ट में, तो बहुत देर दिख तो रहे 5:30 शायद से उतना ही हो रहा होगा, तो अभी टाइम को छोड़ते हैं, एंड मुझे इधर दिख रहे गोलम, ठीक है आपको पता नहीं होगा इस विलेज की वजह से हमको कुछ मिला है, तो इस विलेज को हम कुछ देख के जाएंगे, बट मुझे आयरन चाहिए होगा, तो सॉरी विलेजर्स आई नीड टू किल गोलम।
गाइस यार भाई मैंने आयरन गोलम को तो मार दिए। मेरे को इस डर इस बात का लग रहा है कि आपको पता नहीं होगा, मेरा मतलब पता नहीं ग्लिच चल रही क्या चल रहा है। मैंने अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में या एक वर्ल्ड में मैंने एक आयरन गोलम को मारा 1.19 में एंड सारे के सारे आके मुझे मारने लग गए। तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं, या मेरा ग्लिच चल रहा होगा कि मैंने उनको परेशान किए। शायद से मैंने उनको परेशानी किया होगा। एंड देखो हमने अभी इतना कुछ कर दिए एंड अभी हम थोड़े से लूटिंग कर लिया जाए, ज़्यादा लूटिंग नहीं करेंगे बिकॉज विलेजर को भी सत्ता रखना है। तो हमको स्टोन ब्रिक्स बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, हमको खाने की जरूरत है सो हम उठा लेते हैं एंड टोर्च की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं, तो विलेजर्स को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे इस काम से। हमारे पास बस हमको एक बेड चाहिए ताकि मेरा काम हो जाए, मुझे बस एक बेड चाहिए एंड खाने की कमी भी नहीं है। तो मैं एक हेबेल फटाक से बना लेता हूँ, मतलब सॉरी हेबेल नहीं हुई एक फटाक से गाइस मैं बना लेता। ऑल डन गाइस, हमको खाना भी हो चुका है, मतलब खाना भी जुगाड़ हो चुका है एंड अभी बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो हम अपनी सर्वाइवल सीरीज अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं इन विलेजर्स के साथ, इन कॉलम्स के साथ, आयरन कॉलम्स के साथ। मैं इन विलेजर्स को बिल्कुल तंग नहीं करूँगा बिकॉज यही फ्यूचर में हम कोई टाउन हॉल में या इसके ही मतलब इसी विलेज को गाइस आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या मैं इस विलेज को एक सिटी बना दूँ, एकदम खतरनाक ओपी वाला सिटी, इस विलेज को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूँ एक सिटी के अंदर। आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, मैं करूंगा, लेकिन वो जब हमारे पास आयरन एंड सब कुछ रिसोर्सेस फुल हो जाएंगे तो वो हम तब करेंगे। बट हमारे पास अभी हेबेल आ चुका है एंड मैं पटाक से थोड़े से पाव बना लेते हैं बिकॉज पाव इज द ठीक है, पाव पाव से हमको शक्ति मिलती है। सो मैं पटाक से थोड़े से ब्रेड बना लिया जाए इधर एंड ये हमारा आगे ब्रेड 27 इधर से मैं थोड़ी कट कर दो कैसे हो जाने चाहिए। हो जा जल्दी 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 हो जा यार, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरा, टाइम वेस्ट कर रहा है बंदा। 3 4 5 6 7 ओके चलो हमारे पास 53 बेड आ चुका है, ब्रेड आ चुका है भाई, ब्रेड को मैंने बेड बोल दिया ठीक है। सो हमारे पास 53 ब्रेड आ चुका है एंड शायद इतने से हो जाए, मैं विलेजर को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। सो मैं चुपचाप उठने घर से एक बेड उठा लेता हूँ, विलेजर टेंशन मतलब मैं तेरे लिए अलग से बेड ला कर दूँ ठीक है, बिकॉज विलेजर को हमको सबसे ज्यादा मेन मोटिव ये है विलेजर को जिंदा अगर नहीं रख पाए तो बैठ जाएगा। इधर वाटरमेलन भी है जिनको हम थोड़े से तो तोड़ेंगे बिकॉज इनसे हमको फायदा मिलता है एंड फायदा मतलब फायदा तो नहीं बट मुझे एक एडवांसमेंट चाहिए होगा जो ऑब्वियसली हमको मिल चुका है। मैं सोच रहा था इसके एडवांसमेंट के लिए मैं अलग से एक सीरीज बनाऊंगा बट जरूरत नहीं है। एंड गाइस ये है गांव का मुखिया, ओए मुखिया भाई साहब सुन रहे हो भाई, देखो तुमको हम अच्छे से एक बार समझा दे रहे हैं, इस वर्ल्ड के किंग हम ठीक है, तुमको क्या लग रहा है कि ये सर्वाइवल वर्ल्ड तुम लोग है बट यस बट इस वर्ल्ड के किंग हम है, तो मुझे भी थोड़ी सी पार्टनरशिप मिल जाएगी, मतलब भाई क्या बोलो भाई वो गांव का मुखिया आई एम सीरियस। चलो एंड एक बार मैं इनसे परमिशन ले गया तो पता चला भाई थप्पड़ मार के ले खाना ले गए, अरे मुखिया सुन रहे भाई मैं ये हेबेल ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ पक्का बोलना हाँ या ना, हाँ ले सकता हूँ अबे बोलना ले सकता हूँ अबे ये हाँ शायद से मैं ले सकता हूँ, वो ऑब्वियसली है गाँव का मुखिया तो इतना तो मना नहीं करता, इसके पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है गाँव के अंदर, हाँ मैं ले सकता हूँ ना। एंड मैं थोड़े दिन के लिए एक विलेजर का बेड उठा रहा, मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगा ठीक है चीफ, ओके चलो मैं चलता हूँ। चलो भाई भाई चीफ से तो मैं बात कर गया, मेरे को डर लग रहा था, मेरे को लगा भाई स्वॉर्ड निकाल के फेल ना दी भाई बिकॉज मैं तो अभी अटैकिंग करने में बिल्कुल नूब हूँ, बिकॉज अगर हमको कोई देखो मैं सीधा से समझा दे रहा हूँ गाइस आपको पता नहीं होगा मैं पीवीपी में तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मतलब हाँ मैं पीवीपी में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ बट पता है मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं सही बोल रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं पीवीपी में तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ बट
प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं मतलब जो अगर कोई ऐसे तीन चार बार मुझे ऐसे वार कर देना, मतलब अगर कोई मेरे को ट्रैप कर दे तो ट्रैप्स में मैं बिल्कुल खटी हूँ सही में भाई। ट्रैप्स में भाई मैं बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हूँ, मैं मजाक नहीं कर, ट्रैप्स में बहुत बड़ा वाला नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे दोस्तों से भी पूछ सकते हो, ठीक है, सोनक को पता है, मुझे भी पता है, मुझे तो ऑब्वियसली पता ही होगा। सो मैं ट्रैप्स में बहुत बड़ा वाला नूब हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा था भाई जीप खोल ना दे भाई, खोल दिया ना भाई, हम तो खोल नहीं सकते बिकॉज गाँव के विलेज के अंदर खून तो नहीं कर सकते, बट मेरे को खाना चाहिए होगा तो मैं फटाक से ये थोड़े से खोल लेती हूँ। एंड हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रेड आ चुका है, ज़्यादा नहीं चाहिए होगा ऑब्वियसली, बट खाने की कमी नहीं होगी, ठीक है, क्या नहीं होनी चाहिए, खाने की कमी, एंड वो तो हम कभी भी नहीं करेंगे। सो मैं एक और थोड़े से ब्रेड बना ले, तो हमारे पास 64 है, और थोड़े से ब्रेड बना ले तो भाई। चलो मैं क्लिक करते करते जाऊंगा, एंड हमारा मैं देखो आप लोग क्या करते हो, शिफ्ट दबा देते हो ना गाइस, शिफ्ट मत दबो, ठीक है, शिफ्ट मत दबो। हाँ आप अब देखा ये जादू होता है, अगर गाइस CTRL दबा के शिफ्ट मत दबाओ, मतलब माइनक्राफ्ट में नहीं सिखा रहा, बहुत लोग मैंने देखे हैं, मैंने अपने दोस्त को भी बोला था कि CTRL दबा के शिफ्ट मत दबा वरना तेरा धीरे धीरे सो एंड तेरा वो गायब हो जाएगा। शिफ्ट दबा के राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कर तेरा हो जाएगा। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बट अभी फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। एंड ये गाँव का मुखिया अभी भी मेरे को घूर रहे हैं गाइस, ये तो बाहर गया गाइस एक काम कर दे क्या, मतलब आपको पता नहीं होगा हम लूटिंग करने आए हैं तो नहीं चाहिए यार। भाई गांव के मुखिया ने खोल दिया ना भाई, बचना तो दूर भाई, आयरन गोलम तीन चार आके मेरे को कूटेंगे अलग से, सो वो तो भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता। एंड हमारे पास बहुत ज्यादा ब्रेड आ चुका है, आयरन है, सब कुछ है, शुगर केन भी है। सो मैं इधर हमारे पास आयरन है तो आयरन से मैं अपना आयरन की चीजें एक चीज बना लेता हूँ एंड और नीचे होगा ठीक है। एंड मैं थोड़े दिन के लिए मुखिया भाई साहब से बात करके घर ले लेता हूँ, वरना भाई आपको पता है हम अभी आलसी है तो अभी हम घर बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है, हम बिल्कुल घर नहीं बनेंगे। एंड मैं एक पिकैक्स बना लूँ, पिकैक्स से एक शील्ड बन जाएगी, एंड क्या अगर मैं एक स्वॉर्ड बनाऊँ तो दो आयरन बच जाएगी। सो मैं काम करता हूँ, मैं ये बचता हूँ, ठीक है, एक स्वॉर्ड बनाता हूँ एंड मैं एक शील्ड बनाता हूँ, लेट्स गो, ये हमारे आगे शील्ड ऐसे बनती है ना, हेलो स्कैमर, अबे शील्ड ऐसी बनती है गाइस, मैं माइनक्राफ्ट के रेसिपीज भूल रहा हूं, लॉल भाई मेरे को सही में लगा। सो हमारे पास अभी सब कुछ आ चुका है, मतलब सब कुछ तो ऑब्वियसली आ ही चुका होगा। एंड अभी मैं गांव के मुखिया से घर ले लेता हूं, खत्म करते आज का ये वीडियो, बट वीडियो खत्म करने से पहले मुखिया भाई साहब सुन रहे हो, देखो तुम पता है तुम इस गांव के चीफ हो, एंड हम तुम्हारी सारे रूल्स मानेंगे जब तक इस विलेज में रह रहे, आगे का तो बाद में देखेंगे, बट मेरे को थोड़े दिन के लिए घर चाहिए, ठीक है, मेरे को 5-6 या 7 दिन के लिए घर चाहिए, तो तुम दे सकते हो, कोई दे सकते है, मैं ले लूँ पक्का, ओके चलो गाइस। भाई इन विलेजर से तो मैंने बात कर ली है, इन लोगों ने बोल दिया भाई तुम एक घर खा लो कहा से भी, एंड ये गोलम भाई साहब को बिल्कुल नहीं मारेंगे बिकॉज ये गाँव के चीफ का गोलम, ये देखो मैं बोल ही रहा था ये गाँव के चीफ का गोलम है देखो, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मारूंगा। एंड मैं चाहूँ तो कत्ल कर सूंगा बट नहीं, एंड मुझे घर दिया है ये वाला, मतलब ये तो चीफ का घर है ऑब्वियसली, बट मुझे बोला गया कि मुझे मतलब पहले चीफ ने बोला कि भाई तुम मेरे साथ रहो वरना तुम तफ्ती मचाओ, मैंने बोला भाई मुझे छोटा सा घर दे दो चल जाएगा। सो अभी हम अपना जो बेस है वो इधर ही बना लेते हैं, एक चेस्ट बना के, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा तो इतनी मेहनत कौन करेगा, ठीक है, इतनी मेहनत तो मैं तो ऑब्वियसली नहीं करूँगा। सो मैं एक चेस्ट बना के अपना जितना भी सामान है स्टोर कर ले तो, ठीक है, एंड ये हमारा जितना भी फालतू का सामान है पूरा स्टोर कर लेते हैं, चलो एंड हो गया, ठीक है। सो हमारे पास अभी सब कुछ आ चुका है, एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो पे हम जाने वाले आयरन माइनिंग करने के लिए। सो
चलो खत्म करते आज का ये वीडियो, सही शायद से यही थे गाइस। यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद आएगी तो इस वीडियो पे मैं टोटल एम करता हूँ, ये एक बड़ा एम होने वाला है। ये सीरीज चलने वाली है सर्वाइवल की, तो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो पे टोटल मैं एम करता हूँ, पहले छोटा एम करता हूँ 25 लाइक्स का। 25 लाइक्स हो गए तो नेक्स्ट वीडियो में समझ जाऊँगा कि मुझे डालना है, तो मैं पहले से रिकॉर्ड करके रख दूंगा। मैंने पार्ट शूट कर लिए, एडिट करना बाकी। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं बोला आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय। Yeah.